नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल पर। हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन योर ऑन चैनल। तो आज दोस्तों हम वापस से आए हैं आपके पास एक छोटे छोटे घरेलू नुस्खे लेके, जो आसानी से आपके घर में उपलब्ध हैं। वही सामान जो आपकी किचन में पाए जाते हैं, वही सामान जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्दी कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई पैसा वेस्ट नहीं करना है, कोई भी ज़्यादा शारीरिक मेहनत नहीं करनी है, कोई भी ज़्यादा ऐसा कुछ भारी काम नहीं करना है जिसकी वजह से आपको थकान हो जाए। छोटे छोटे से उपाय करने हैं और ऐसी दवाई भी कोई नहीं है जिससे आपको साइड इफेक्ट हो। तो साइड इफेक्टों से बचा के आपकी बीमारी को दूर करने का एक और आसान तरीका लेकर हम आपके सामने उपस्थित हो गए हैं दोस्तों। तो आज हम आपको दोस्तों बताने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी समस्या का छोटा सा इलाज, ऐसा इलाज जो समस्या तो बहुत बड़ी है पर छोटे से एक उपाय करने से उस समस्या में आपको काफ़ी हद तक आराम मिल जाएगा। काफ़ी हद तक आप देखेंगे कि आपकी जो समस्या है वो दूर होती जा रही है, आप काफ़ी हद तक अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों उसके लिए हम आपको क्या बताने वाले हैं, तो दोस्तों हम आपको बता रहे हैं आज एक ऐसी समस्या के बारे में जो बहुत ज़्यादा आम हो गई है, वो है दोस्तों नाभिका टल जाना, नाभिका खिसक जाना या नाभिका अपना स्थान छोड़ देना। हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही सुनने में छोटी सी समस्या लग रही है कि अरे गैस का गोला बन गया है, अरे नाभि ने अपनी जगह छोड़ दी, नेवर डिस्प्लेसमेंट हो गया है, पर ये अरे वाली बात नहीं है दोस्तों। ये बहुत ही बड़ी समस्या है, जिस भी इंसान को ये समस्या हो गई है वो इस समस्या के बारे में अच्छे से जानता है, समझता है और इसकी गंभीरता को महसूस करता है। नाभि का टल जाना, नेवर का डिस्प्लेसमेंट होना, नाभि का खिसक जाना, गैस का गोला बनना, ये एक ऐसी समस्या है जो आज के ज़माने में बच्चों से लेके बुजुर्गों से लेके युवाओं तक हर पीढ़ी को हो रही है, क्योंकि हमारी जो दैनिक दिनचर्या है वो बिगड़ गई है। खान पान जो है वो अच्छा नहीं है, तेल का तला भुना बाहर का खाना ज़्यादा हो रहा है, शारीरिक व्यायाम नहीं हो पाता है, डेली रूटीन में बैठने का काम जाता है तो गैस बनने लग जाती है, गैस जब अति हो जाती है तो ये गोले का रूप ले लेती है। और जब एक बार नाभि ने अपनी जगह छोड़ दी, नेवल डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो मतलब आप ये मानिए कि वो इंसान का शरीर वो ऐसा लगता है जैसे निचोड़ दिया हो किसी ने, यानी बहुत ज़्यादा कमजोरी, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, पेट में असहनीय दर्द होता है, तो इस पीड़ा से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। पर इसके लिए अब उपाय क्या किया जाए, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बहुत छोटा सा उपाय है, वो है त्रिफला पाउडर। त्रिफला पाउडर आसानी से हर घर में उपलब्ध है, आप लोग इसे घर में भी बना सकते हैं और नहीं तो आसपास की जो भी आयुर्वेदिक दुकान है, ग्रोसरी की दुकान है, परचूने की दुकान है, मेडिकल शॉप है, ऐसी कोई भी शॉप नहीं है मतलब कि जहाँ पे ऐसे कोई भी खाने पीने की चीज़ मिलती हो वहाँ पे त्रिफला पाउडर नहीं मिले। त्रिफला पाउडर एक ऐसा आसान चीज़ है जो हर जगह मेडिकल वालों के मिल जाता है, आयुर्वेद वालों के मिल जाता है, होम्योपैथिक वालों के मिल जाता है, ग्रोसरी वालों के मिल जाता है, परचूने की कोई छोटी सी दुकान है वहाँ भी त्रिफला पाउडर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, त्रिफला पाउडर को लेकर अपने घर पर आना है। ये देखिए त्रिफला पाउडर है, आपको भी त्रिफला पाउडर को अपने घर पर लेकर आना है, और या फिर अगर आपके घर में उपलब्ध है त्रिफला पाउडर तो उसको यूज़ करना है। पर हमें अगर नाभि को सही जगह पर सेट करना है, गैस के गोले को मिटाना है, नेवल डिस्प्लेसमेंट मिटाना है, तो त्रिफला पाउडर का यूज़ तो हम करते हैं, पहले भी किया है, तो किस तरह से इसे यूज़ करें कि नाभि अपनी सही जगह पर सेट हो जाए। तो इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है दोस्तों, दिन में दो से तीन बार थोड़ा सा त्रिफला पाउडर लेके शक्कर के साथ, यानी कि चीनी के साथ, यानी कि शुगर के साथ मिलाकर इसका सेवन करना है। यानी कि थोड़ी सी शक्कर लेनी है, थोड़ा सा त्रिफला पाउडर लेना है। आपने रात को त्रिफला पाउडर खा के गर्म पानी तो पिया ही है, ये भी कब्ज मिटाता है, ये भी गोले को बिठाता है, पर इसके साथ अगर नाभि को सही जगह पर सेट करना है तो आपको क्या करना है, प्रतिदिन दिन में तीन बार या दो बार, दो से तीन बार अगर समस्या ज़्यादा है तो दिन में तीन बार कर सकते हैं, समस्या कम है तो दिन में दो बार ही काफ़ी है। आपको थोड़ा सा त्रिफला पाउडर लेना है, उसे चीनी के साथ मिला के उसका सेवन करना है। चीनी यानी कि शक्कर यानी कि शुगर के साथ थोड़ा सा त्रिफला पाउडर मिला के दिन में दो से तीन बार लीजिए, आप देखेंगे आपकी जो नाभि की समस्या है वो धीरे धीरे मिटती जा रही है, नाभि अपनी सही जगह पर सेट हो रही है, पेट का दर्द मिट गया है, गैस के गोला आपको लग रहा है कि बैठ गया है, यानी कि गोले में आराम आ गया है और आप धीरे धीरे अपने को अच्छा महसूस करने लगेंगे। इसका आपको फ़ायदा दो या तीन दिन के अंदर ही दिखने लग जाएगा।
पर कम से कम इसे 10 से 15 दिन का यूज़ ज़रूर कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपको बेनिफिट अच्छा हो रहा है तो आप महीने भर तक भी इसका यूज़ आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, त्रिफला पाउडर को लेना है, चीनी शक्कर में मिला के दिन में 2 से 3 बार से यूज़ करना है। तो इसका प्रयोग कीजिए, अपनी नाभि को सही जगह पर सेट कीजिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए और सारी बीमारियों से दूर रहिए, अपना ध्यान रखिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, ताकि अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पहले से जुड़े हुए हैं तो आपके सपोर्ट और प्यार के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही है जिससे हम ये नए नए वीडियो बना पाते हैं और इन वीडियो से आपको हेल्दी रखने में आपकी मदद कर पाते हैं दोस्तों। तो अपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ये वीडियो आपको आसानी से मिल सकें और आप इनका यूज़ करके हेल्थ दे सकें। अपना ध्यान रखिए, थैंक यू फॉर हैविंग अस, हैव अ गुड डे।